एंड नमस्ते, मेरा नाम है शालू एंड यू आर वॉचिंग शालू ब्यूटी एंड फैशन, वेयर आई टॉक अबाउट ब्यूटी लाइफ स्टाइल DIY स्टाइलिंग वीडियोज एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज रिलेटेड ब्यूटी एंड फैशन। ये टॉपिक इंस्टेंटली मेरे माइंड में आया एंड मैं कैमरे के सामने शूट करने के लिए बैठ गई। सो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी दैट इंस्टेंटली आपको अगर न्यू ईयर पार्टी अटेंड करनी है एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, सो आप कैसे प्रेजेंटेबल एंड बहुत ही सेक्सी हॉट लग सकते हो। सो या विदाउट टॉकिंग टू मच, लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट पॉइंट इज जनवरी जो होता है विंटर का टाइम होता है। एज वी ऑल नो दैट जनवरी फरवरी जो है विंटर्स के टाइम होते हैं। सो विंटर में आप जितने ज़्यादा वाइब्रेंट एंड पॉपअप कलर चूज करोगे आप उतना ही ज़्यादा मीन्स एफर्टलेसली आप प्रेजेंटेबल दिख सकते हो। एंड जो अभी आउटफिट पहन के रखा हुआ है आप साइड में इसका ओवरऑल लुक देखो। सो ये आपको इस तरह के कलर लाइक इन दिनों फ्रूशिया पिंक ग्रीन लाइक नियॉन कलर्स, इस तरह के कलर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। जब भी आप अपने लिए वाइब्रेंट कलर चूज करते हो, अगर आप वाइब्रेंट कलर में लाइक कंफर्टेबल नहीं हो, सो आप मैट फिनिश जो भी कलर होते हैं उसे आप चूज कर सकते हो। लाइक अगर आपको नियॉन पसंद नहीं है, नियॉन ग्रीन पसंद नहीं है, तो उसका आप मैट टोन चूज कर सकते हो। अगर आपको ओवरऑल वाइब्रेंट कलर नहीं स्टाइल करना है, न्यूट्रल एंड वाइब्रेंट दोनों को मिक्स मैच करके आप स्टाइल कर सकते हो। बट अगर आपको चाहिए कि नहीं लाइक मेरी आउटफिट जो हो वो बिल्कुल न्यूट्रल कलर में हो, यू कैन गो विद दैट। अगर लाइक मैं अगर इस आउटफिट की बात करूँ तो इसके साथ जो मैंने हैंडबैग यूज किया है आप देखो वो कैमल टोन में है। तो अगर आप कलर व्हील को देखोगे ये दो कलर एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अपने स्टाइलिंग में आप इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हो, आपको समझ में नहीं आता कि कौन सा कलर किसके साथ में मिक्स मैच होगा, तो जितने भी लाइक प्रोफेशनल रहते हैं, लाइक मेकअप आर्टिस्ट रहते हैं, बड़े बड़े फैशन डिजाइनर रहते हैं, वो भी कलर थ्योरी लाइक कलर व्हील का यूज करते हैं। तो अगर आपको कभी भी प्रॉब्लम होती है अपने स्टाइलिंग को लेके, सो आप अपने एक फ़ोन में स्क्रीनशॉट लेके रखो कलर व्हील को एंड उसके थ्रू आप अपने बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टिप, जो मेरा नेक्स्ट टिप है दैट सर्दियों में आप जितने वाइजली लेयरिंग करोगे आप प्रेजेंटेबल एंड स्टाइलिश दिखोगे, क्योंकि लेयरिंग आपको इंस्टेंटली स्टाइलिश तो दिखाता ही दिखाता है, साथ में वो आपके जितने भी आउटफिट में इफ़ यू हैव एनी फ्लॉज। इसके पहले मैंने एक वीडियो शेयर करा था दैट हाउ यू कैन स्टाइल डिफेक्टिव पीसेज दिस विंटर सीजन, अगर वो वीडियो चेक नहीं करा कोई भी फैमिली मेम्बर अगर इस वीडियो के थ्रू लाइक फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को चेक कर रहे हैं, सो उसका लिंक आपको एड स्क्रीन या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हो। सो लेयरिंग एक गेम चेंजर हो सकता है आपको स्टाइलिश दिखाने में। सो अगर आपको न्यू ईयर पार्टी अटेंड करने जानी है, आपने सॉलिड पहना हुआ है, यू कैन चूज ब्लिंकी और सीक्विन लेदर जैकेट, बहुत सारे ऑप्शन हैं विंटर्स में आपको, कि विंटर में हम सेक्सी एंड स्टाइलिस्ट एंड प्रेजेंटेबल नहीं दिख सकते हैं। विंटर आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि अगर आपके आउटफिट में कुछ फ्लॉज है, सो लेयरिंग के थ्रू स्कार्फ के थ्रू यू कैन ईजली हाइड देम आउट। सो इस स्टेप को आप ट्राई कर सकते हो, लेयरिंग कर सकते हो अगर आपको न्यू ईयर पार्टी अटेंड करनी जानी है। जब बात करते हैं ओवरऑल आउटफिट की, सो आउटफिट के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है आपकी पर्सनैलिटी में जो नोट होता है दैट इज़ योर फुटवेयर, आपके आउटफिट के इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। सो जब आप विंटर पार्टी अटेंड करने जा रहे हो, लाइक न्यू ईयर पार्टी अटेंड करने जा रहे हो, आप अपने रेगुलर सैंडल स्लीपर्स को डिच करिए, उसकी जगह आप बूट्स चूज कर सकते हो, पंप चूज कर सकते हो, आप शूज, इन दिनों शूज बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, तो आप मेटालिक शूज भी चूज कर सकते हो। अगर आप मेटालिक शूज नहीं चूज करना चाहते हो लाइक वाइट टोन में या पिंक टोन में, जो बिल्कुल साइड से भी एक डिटेलिंग रहती है मेटालिक स्ट्रिप्स की, किसी भी तरह का एक मेटालिक एलिमेंट उसमें जो रहता है इंक्लूड रहता है, उस तरह के फुटवेयर को आप चूज कर सकते हो। बूट्स की लंबाई भी आप अपने आउटफिट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। अगर आपने शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ है आप स्टॉकिंग को यूज करें, जो न्यूड स्टॉकिंग होते हैं, एंड उसके बाद में आप बूट्स को पहन सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग बूट्स नहीं पहननी है, आप शॉर्ट्स बूट पहनना चाहते हैं, इंक्लूड कर सकते हो अपने स्टाइलिंग में, क्योंकि देखो बूट्स एंड इस तरह के जो पंप्स मैंने अभी जो भी फुटवेयर आप लोगों के साथ शेयर किए, ये आपके लाइक ये आपको सर्दी से भी बचाएगा एंड आपको स्टाइलिश भी दिखाएगा, बिकॉज बूट्स एंड शूज आपको इंस्टेंटली पॉलिश्ड एंड स्टाइलिश लुक देता है। एंड एट अ सेम टाइम अगर आपने नेल पेंट नहीं लगाया है, यू हैव सम इशू विथ योर फूट लाइक मैनीक्योर पेडीक्योर नहीं है, एंड विंटर में वी ऑल आर लेजी कैट्स, सो अगर आप भी लाइक लेजी बहुत लेजी फील करते हो तो आप इस आइडिया को डेफिनेटली पिक कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टिप,
सो उसके पहले प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, एंड इफ़ यू विश आप मुझे इंस्टाग्राम एंड मेरे सोशल मीडिया पे मुझे फॉलो कर सकते हो, सिप के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे एक अपडेट देना चाहती हूँ दैट दिस इज़ द फर्स्ट सीरीज ऑफ माई जनवरी वीडियो। जनवरी की एक प्लेलिस्ट मैं सेपरेट बनाऊंगी, सो बहुत ही लाइक दिस इज़ द स्टार्टिंग, लाइक ये फर्स्ट वीडियो है, जनवरी ब्लास्ट होने वाला है। मैंने बहुत सारे टॉपिक्स जो है नोट डाउन करके रखे हैं, सो फुल जनवरी में आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो आपके डे टू डे लाइफ में कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेगा, आपके स्टाइलिंग में एक चेंज लाएगा। इस वीडियो के देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी हेल्पफुल हो तो प्लीज इस रेड बटन को ग्रे करके जाइएगा। नाउ जनवरी में अगर आपको पार्टी अटेंड करने जानी है तो आप फैब्रिक को बहुत ही वाइजली चूज करो। लाइक अगर आप डे टाइम पार्टी अटेंड करना जा रहे हो लाइक, तो आप कुछ भी फ्लोई सा जो भी फुल स्लीव का हो या फिर 3/4 स्लीव हो, इस तरह के फैब्रिक को आप चूज़ कर सकते हो एंड उसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी सी लेयरिंग आप ऐड कर सकते हो। बट अगर आप नाइट टाइम पार्टी अटेंड करने जा रहे हो, आप सीक्वेन, लेदर एंड वेलवेट कुछ लग्जूरियस फैब्रिक को आप अपनी स्टाइलिंग में ऐड करो, क्योंकि इस तरह के जो भी फैब्रिक होते हैं इंस्टेंटली आपको स्टाइलिश दिखाते हैं एंड आपको पॉलिश्ड लुक देते हैं। सो मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपको लाइक बहुत ज़्यादा सीक्वेन पसंद नहीं है, सो आप मेटालिक लाइक मेटालिक आउटफिट को आप फ्लॉन्ट कर सकते हो। बट अगर आप मेटालिक में भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, सो आपको लाइक अगर आपने टू पीस पहना हुआ है, सो अब बॉटम वेयर आप चाहते हो, लाइक जब हम अपर वेयर पहनते हैं, अगर मैंने नाइस टॉप की बात करूँ तो हमारे फेस के बाद में हमारा जो अपर पोर्शन है वो सबसे ज़्यादा नोटिस होता है, क्योंकि देखने वाले की आँखें जो होती है आपके फेस के बाद में आपने क्या पहना हुआ है उसके ऊपर जाती है। सो आप लाइक अगर आप बहुत कंफर्टेबल नहीं हो मेटालिक पीसेज में, मेटालिक आउटफिट में, सो आपने जो बॉटम वेयर पहना हुआ है उसे आप मेटालिक फिनिश में रख सकते हो एंड लाइक वो ब्लिंकी साइड में होता है जो मेटालिक आउटफिट होते हैं। सो अपर वेयर आप जो है मैट फिनिश में रख सकते हो, बट आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि दोनों मेटालिक आउटफिट का टोन जो है वो सिमिलर होना चाहिए, या फिर एक ही फैमिली के आपको दो कलर को पिक करने हैं। अनगिनत मैं बोलूँ अनकाउंटेबल आइडियाज़ है, आउटफिट आइडियाज़ के आप न्यू ईयर पार्टीज़ में आप किस तरह से लाइक स्टाइलिश दिख सकते हो, इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ में लुकबुक नहीं शेयर किया है। मैं यहाँ पे छोटे छोटे टिप्स शेयर कर रही हूँ जिसे फॉलो करके आप बहुत ही ईजिली इन टिप्स को फॉलो करके आप किसी भी न्यू ईयर पार्टी में स्टाइलिश दिख सकती है। द नेक्स्ट टिप, जो मेरा नेक्स्ट टिप है, जब भी आप ज्वेलरी चूज करते हो अपने आउटफिट के लिए, एज आई ऑलवेज से दैट ज्वेलरी जो होती है आपकी एक सिंपल कपड़ों में जान डाल सकती है। लाइक आपने कितने भी सिंपल कपड़े क्यों ना पहन के रखे हो, सिंपल आउटफिट क्यों ना पहन के रखे हो, बट अगर आप ज्वेलरी एक्सेसराइज अच्छे से करते हो अपने आउटफिट को, आपका होल लुक बदल जाता है। जिस तरह मेकअप हमारे फ्लॉज को हाइड करता है, उसी तरह आपकी ज्वेलरी आपकी पर्सनैलिटी का लाइक मिरर होती है, मैं बोलूँगी आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करती है आप जिस तरह की ज्वेलरी पहनते हो। सो सपोज अगर आपने सीक्वेन ड्रेस पहना है न्यू ईयर पार्टी के लिए, सो आप इस तरह के लाइक स्टड चूज कर सकते हो, हुप्स चूज कर सकते हो, या फिर आपको जिस तरह की ज्वेलरी आपके ड्रेस को लाइक कॉम्प्लीमेंट करती है उस तरह की ज्वेलरी आप चूज कर सकते हो। टर्टल नेक स्वेटर आपने पहना है, छोटे छोटे लाइक डायमंड स्टड, डायमंड लुक लाइक स्टड आप यूज कर सकते हो। आपने जो हैंड पर्स लिया हुआ है वो थोड़ा स्ट्रक्चर में आप हैंड पर्स यूज़ करो न्यू ईयर पार्टी के लिए, क्योंकि जो भी स्ट्रक्चर्ड लाइक स्टाइलिंग एलिमेंट्स होते हैं वो आपकी पर्सनालिटी में भी एक इंस्टेंटली पॉलिश्ड आपको लुक देते हैं। सो हमेशा जब भी आपको इंस्टेंटली स्टाइलिश लगना हो या पॉलिश लगना हो, आप किसी भी लाइक आपके आउटफिट हो या फिर फुटवेयर हो या फिर आपका हैंडबैग हो, आप सब में एक स्ट्रक्चर ऐड करिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप जो भी पहन रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ पहनिए एंड स्मेल गुड एंड ऑलवेज कीप स्माइल ऑन योर फेस। मीन्स आप स्मेलिंग इज़ अ पावरफुल एसेंस इन आर लाइफ। मीन्स अगर आप अच्छा स्मेल करोगे, अगर आपको बहुत ज़्यादा हार्ड परफ्यूम, सी मैं परफ्यूम बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ क्योंकि आई एम नॉट अ परफ्यूम पर्सन, बट अगर आपको परफ्यूम पसंद है आप सॉफ्ट परफ्यूम को आप यूज़ कर सकते हो। बहुत ज़्यादा हार्ड परफ्यूम आप ना चूज़ करें, पार्टी में जाए इन्जॉय करें। आपने जो भी पहना है लाइक कॉन्फिडेंट के साथ पहने, कुछ ऐसा ना पहने जिसमें आप कंफर्टेबल ना हो, सिर्फ
दूसरों से कंपेयर करने के लिए खुद को कि मेरी फ्रेंड ने ये पहना है सो आई हैव टू नो. आपकी एक अलग पर्सनालिटी है, आपकी फ्रेंड की एक अलग पर्सनालिटी है. भले ही अपने सलवार सूट क्यों ना पहन के रखा हो, बिंदास होकर सलवार सूट में आप लाइक पार्टी अटेंड करिए. ज़रूरी नहीं वेस्टर्न कपड़े ही हमेशा स्टाइलिश लगते हैं. आप जिसमें कंफर्टेबल हो, जो आपकी पर्सनालिटी है, हमेशा उसको लेके आगे बढ़िए. सी, किसी से इन्फ्लुएंस होना एक अलग बात होती है, बट किसी को कॉपी करना जो आपका स्टाइल ही नहीं है, ट्रस्ट मी, आप कभी उसमें आप कंफर्टेबल एंड स्टाइलिश नहीं दिख सकते हो. सो पिक आपका जो स्टाइल है उसी को आप पिक करें. तो यार ये थे मेरे आज के कुछ पॉइंट्स कि न्यू ईयर पार्टी में आप किस तरह से स्मार्ट एंड स्टाइलिश दिख सकते हैं. आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो. कोई और वीडियो की रिक्वेस्ट है तो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. तो अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छे कॉन्टेंट के साथ. टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय. लव यू ऑल. एंड जैसा कि ये न्यू ईयर वीडियो था, सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माई फ्रेंड्स एंड फैमिलीज इन एडवांस. अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर.